हेलो दोस्तों, आइए हम जानते हैं फिर एक जीके का ट्रिक लेकर आ गए हैं कि चीनी यात्रियों को भारत में आने का क्रम। ऐसे से शानदार ट्रिक हम लेकर आते रहेंगे आपको। देखिए, सबसे पहले दिया है कि करा कि चीनी यात्रियों को भारत में आने का क्रम, मतलब कौन कौन सी चीनी यात्री सबसे पहले भारत में आए थे, उनकी आने की क्रम लिखा हुआ है। ये हमारे ट्रिक में फंसा हुआ करा कि चीनी यात्रियों को फांसी हुई। कह रहा है कि चीनी यात्री को क्या हुई? फांसी। चीनी यात्रियों को फांसी नहीं, कुत्ते के सामने कटवा देते। ये सब वायरस है। कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि ठीक है, हमारे चीनी यात्रियों को फांसी हुई। ठीक में देखिए कैसे छिपा हुआ है। कह रहा है कि फांसी हुई ना, उसी को हम देखिए कैसे सजा कर हमने फांसी हुई। अब इसी के नाम में, फांसी हुई के नाम में सभी यात्रियों, चारों यात्रियों का नाम छिपा हुआ, साथ में उसका यात्री का नाम और उसकी ईस्वी भी जा रही है, किस किस ईस्वी में आए थे। पहले आता है कि फा, फा से वो आपको जो होता है वो फाइयान हो जाएगा। फाइयान जो आया था आपको, सबसे पहले आया था 399 ईस्वी में आया था। उसके बाद आपको आया था सी से, तो सी नहीं होता है उसमें, केवल स होता है। इसे हमने बनाने के लिए बताया है कि स से आपको हो जाता है जो संयुगन, संयुगन। सब उसके बाद दूसरे क्रम में आया था संयुगन, जो आपको आया था कब, तो इसका आने का क्रम 598 ईस्वी पूर्व है। उसके बाद आपको है हुई, हुई से आपको याद रखेंगे जो फांसी हुई, तो हुई जो है ना, हुई ने हम केवल ह से याद रखेंगे। ह से आपको होता है हयो नसांग, जो आया था आपको आने का क्रम इसका है, जो आने का क्रम इसका है 630 ईस्वी में आया था। उसके बाद लास्ट में इसे होता है, सबको जानता है इति, इति, इति क्या होता है, इति संग था जो आया था, वो आया था आपको 7वीं ईस्वी के अंत में आया था दोस्तों। सातवीं ईस्वी के अंत में आया था। अब दोस्तों, यह आपको एक शानदार ट्रिक है, इसे आसानी से चीनी यात्रियों को याद रख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना जरूर, इससे और शेयर करना तो ना भूलिए, क्योंकि इससे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इससे आसानी से जानकारी प्राप्त कर ले। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।